तो स्वागत है दोस्तों आपका एक्सेल की सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये नंबर सिस्टम। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इसको पूरी डिटेल से मतलब कवर करेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कुछ अपने तौर से मतलब एक फॉर्मेट क्रिएट करके रखा हुआ है जिसमें हम आज का जो लेसन है उसे हम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स भी ऐड करके रखे हैं, कुछ नंबर्स यहाँ पे नेगेटिव हैं और कुछ नंबर्स यहाँ पे पॉजिटिव हैं हमारे पास। तो चलिए देखते हैं कि इनके साथ हम ये नंबर सिस्टम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो हम ये नंबर सिस्टम जहाँ पे भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं जहाँ पे जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं, जो मतलब हम लगातार यूज़ करते रहते हैं, ये वैल्यूज़ उन्होंने यहाँ पर दी हुई है। लेकिन इनके अलावा अगर हम मतलब और डिटेल में इनको देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये मोर नंबर फॉर्मेट के ऊपर हमें क्लिक करना होगा। ठीक है, तो जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके पास ऐसा एक बॉक्स खुल जाएगा जहाँ पे हमें के कौन सी टैब के अंदर काम करना है, नंबर टैब के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास वही ऑप्शन है जो जहाँ पे दी हुई थी। ठीक है, तो इस ऑप्शन को आप इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको ये नंबर सिस्टम मतलब किसी भी नंबर या टेक्स्ट के ऊपर आपको अप्लाई करना है तो आपको क्या करना होगा, उस नंबर को पहले सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, जैसे कि मैं सबको इन सबको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद मैं इस बटन को क्लिक करके अपना जो डिटेल वाला जो मेन्यू है उसे मैं ओपन करूँगा। तो सबसे पहले हम जनरल का देखते हैं। जनरल का मतलब होता है कि मतलब उसका कोई भी फॉर्मेट नहीं होगा, नंबर जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे उसका कोई भी फॉर्मेट नहीं होगा। तो ये तो सिर्फ मतलब सिंपल हमारे पास टेक्स्ट हो सकता है या नंबर्स हो सकते हैं कोई। तो ये तो हमारे पास सिंपल नंबर्स होंगे जिनका कोई भी फॉर्मेट नहीं होगा। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ जो है हमारी नंबर की। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास सेकंड ऑप्शन नंबर की है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इन ऑप्शंस को सिलेक्ट जो वैल्यूज़ हैं हमारी उनको सिलेक्ट करना है इसके ऊपर क्लिक करके। ठीक है, नंबर के ऊपर क्लिक करके आप देखोगे कि जहाँ पर आपको उन्होंने एक सैम्पल शो किया है कि आपकी ये वैल्यूज़ कैसे डिस्प्ले होंगी। ठीक है, सैम्पल के तौर के उन्होंने बताया कि -123 आएगा पॉइंट और दो हमारे पास डेसिमल के बाद दो वैल्यूज़ आएंगी, मतलब पॉइंट के बाद हमारे पास कितनी वैल्यू वो शो करेगा, मैक्सिमम टू वैल्यूज़ शो करेगा। लेकिन इन वैल्यूज़ को हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे 7 वैल्यू सेलेक्ट करी है, तो यहाँ पे मतलब डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद हमारे पास वो कितनी वैल्यूज़ शो करेगा, मतलब 7 वैल्यूज़ को शो करेगा। तो ये वैल्यूज़ हम कहाँ से चेंज कर सकते हैं इस ऑप्शन के साथ। तो अगर आप नंबर के बीच मतलब आप कोई कॉमा यूज़ करना चाहते हो, जैसे 1000 के बाद हमें पता है कि हम एक कॉमा डालते हैं, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करके कॉमा अपने नंबर्स के अंदर डाल सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो कि उन्होंने क्या शो किया है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स, मतलब जो हमारी एक्सेल के अंदर जो हम नंबर्स लिख रहे हैं उसमें कुछ पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं और कुछ नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव तो चलो ईजिली यहाँ पर शो हो रहे हैं जैसे भी हो रहे हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर्स को हम डिफरेंट फॉर्मेट में शो कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास 4 तरह की ऑप्शन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स को शो कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव नंबर्स कौन से हैं, पहला जो ऑलरेडी जहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने, ठीक है, दूसरा कौन सा है कि अगर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर होगा उसे हम कैसे शो करेंगे, रेड कलर के साथ शो करेंगे। तो मैं ओके करके आपको बताता हूँ, यहाँ पर ओके करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके आपको मतलब एक्सेल में अगर कोई ऐसी वैल्यू आपको दिख जाती है हैश के साथ, तो उसका मतलब होता है कि ये बॉक्स छोटा है लेकिन उसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, बड़ी है। तो आपको क्या करना होता है, इसकी जो विड्थ होती है उसको आपने इंक्रीज़ करना होता है। ठीक है, तो आपकी जो हैश वाली जो प्रॉब्लम होगी वो अपने आप दूर हो जाएगी। तो अभी आप देख रहे हो जहाँ पे कि हमने क्या किया, जो भी हमने ऑप्शन वहाँ पर सिलेक्ट करी थी कि जो नेगेटिव नंबर होंगे वो रेड कलर के साथ रिप्रेजेंट होंगे लेकिन बाकी वाले नंबर्स वैसे ही शो होंगे। तो हमने वहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज़ चूज़ करी थी, 4 वैल्यूज़, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 4 वैल्यूज़ आ गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने जो भी ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करी थी वैसा ही उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उस टेक्स्ट को शो कर दिया। ठीक है, तो ऐसे हम इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको मतलब ब्रैकेट के अंदर शो करना चाहते हो नेगेटिव नंबर्स को, आप इसे क्या करें, ओके के ऊपर प्रेस करें, तो आपके जो नेगेटिव नंबर्स होंगे वो मतलब ब्रैकेट में शो हो जाएंगे। तो ऐसे हम इस नंबर सिस्टम को मतलब यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं नंबर फॉर्मेट को। उसके बाद चलते हैं हम सेकेंड जो हमारे पास क्या है, करेंसी। तो करेंसी को भी हम वहाँ से ही देखते हैं डिटेल में वैसे वो कैसे काम करती है। तो करेंसी के ऊपर हम क्लिक करेंगे,
तो उससे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होंगी जिनको हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ वैल्यूज़ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करके ठीक है, हमारे पास ये आ गई कुछ वैल्यूज़। तो सबसे पहले अगर हमें इनके ऊपर कुछ फॉर्मेट अप्लाई करना है, तो हमें पहली बात के इनको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद हम ये बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास वही हम करेंसी के ऊपर जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास जहाँ पे उन्होंने एक सैम्पल शो किया हुआ है, ठीक है। तो सैम्पल में क्या शो कर रहा है वो, पहले तो वो मतलब शो कर रहा है कि जो जो क्वांटिटी जो करेंसी हमने डाली है वो कौन से टाइप की है। ये यहाँ पे शो कर रहा है डॉलर के ऊपर, ठीक है, डॉलर में करेंसी को शो कर रहा है। उसके बाद वही डेसिमल प्लेसेस कितनी हम चाहते हैं, मतलब दो या तीन कितनी वैल्यूज़ हम चाहते हैं, ये उनको शो करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंबल के आप ऊपर देख सकते हो कि हम जो करेंसी शो कर रहे हैं वो कौन सी फॉर्मेट में है, डॉलर में। तो उन्होंने यहाँ पे डॉलर शो किया हुआ है। तो अगर आप किसी और करेंसी को भी यहाँ पे शो करना चाहते हैं, जैसे रशियन हो गया, सक्का हो गया, कतर हो गया, मतलब इंग्लिश या चाइनीज़, ऐसे कुछ भी आप शो करना चाहते हो, तो वो करेंसी भी आप कह सकते हो जहाँ पे शो कर सकते हो, ठीक है। यूरो वगैरह, जापनीज, आप मतलब किसी भी फॉर्मेट में यहाँ पे वो सिंपल जो भी होगा हम उसे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो सिमिलरली ऐसे भी जैसे हम मतलब इंडिया में रहते हो, तो इंडिया में हमारे पास रुपी चलता है, तो हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे मतलब हमारे पास एक रुपी होगा उसे हम क्या कर लेंगे, इंग्लिश इंडिया इसके ऊपर क्लिक करें, या हिंदी के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। तो आपके पास जो भी मतलब करेंसी होगी उसके आगे क्या शो होगा, रुपी का साइन यहाँ पे शो होगा। तो बाकी ये वही है कि नेगेटिव जो करेंसी होगी हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, कैसे शो करना चाहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अकाउंटिंग कैसे काम करता है, ठीक है। अकाउंटिंग भी मोस्टली वैसे सिमिलर ही है मतलब करेंसी की तरह, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इसमें हम मतलब क्या क्या ऑप्शंस हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी मैं एक वैल्यू को माइनस के ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। तो माइनस वाली वैल्यू हम ले लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे इस वैल्यू को भी मैं माइनस में ले लेता हूँ, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब इनको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग के ऊपर जाएंगे, अकाउंटिंग के ऊपर हम यहाँ से जाएंगे, अकाउंटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये वही सैम्पल शो कर रहा है, ठीक है, डेसिमल प्लेसेस शो कर रहा है, और यहाँ पे वही साइन शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक बात बताई हुई है, वो क्या करता है कि काउंटिंग फॉर्मेट क्या करता है, लाइन ऑफ द करेंसी सिंबल, जो करेंसी का हमारे पास यहाँ पे एक सिंबल है एंड डेसिमल पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, इन्हें कॉलम मतलब एक कॉलम कॉलम में एक मतलब अलाइन कर देता है। तो जैसे ही आप देखोगे उसे, ठीक है, आपको क्या शो कर रहा है, वो एक जो करेंसी का सिंबल है, ठीक है, उसे मतलब जो हमारी करेंसी है उससे दूर मतलब शो कर रहा है, एक डिफरेंट अलाइनमेंट में शो कर रहा है उसे, ठीक है। सो पहला डिफरेंस यही है कि जो भी मतलब हमारे पास करेंसी सिंबल होगा, करेंसी में वो करेंसी के साथ ही शो होता है, लेकिन अकाउंटिंग में क्या होता है, वो दूर शो होता है, ठीक है। और दूसरे डिफरेंस क्या है इसमें, कि अगर आप इसमें क्या करो, करेंसी आप जीरो ऐड कर दो, तो आपको वो यहाँ पे मतलब जीरो शो करता है, उसके साथ रुपीस भी शो करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे जीरो ऐड कर दें, एंटर प्रेस करें, तो वो क्या शो करेगा, यहाँ पे डैश शो करता है। मतलब यही मेन डिफरेंस है दोनों में, एक तो जीरो को वो जीरो शो करता है करेंसी में, अकाउंटिंग में वो डैश शो करता है। करेंसी में वो करेंसी जो सिंबल होता है उसे करेंसी के साथ ही लिख देता है, लेकिन अकाउंटिंग में क्या आता है, उसे वो डॉलर या करेंसी सिंबल कोई भी होगा उसे क्या करता है, करेंसी से दूर शो करता है, ठीक है, डिफरेंट मतलब अलाइन करता है उसे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, शॉर्ट डेट, ठीक है। तो डेट हम कैसे डालते हैं एक्सेल में, जैसे आपको पता ही होगा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम मंथ लिखते हैं। तो मंथ सपोज मैंने कर लिया कि 8th मंथ है, ठीक है, 8th ही आज की डेट है, और मंथ ईयर कौन सा है हमारे पास, 2020, इसको मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये ऑप्शन तो ऐसे ही आ गई, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद हम जाएंगे डेट के ऊपर, ठीक है। तो डेट के आप डिफरेंट फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो डेट को कैसे शो करेगा। तो अगर मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूं और ओके ऊपर प्रेस कर दूं, तो आप देखोगे कि ये बस डेट को शो करेगा और मंथ को शो करेगा, ठीक है। तो वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, बाकी ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, आप देख रहे हो कि मतलब ये 8th अगस्त ऐसे शो कर रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट हैं हमारे पास जिनको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
तो हमारे पास ये हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लोकेशन के ओरिएंटेड भी हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे हम आते हैं इंडिया में, तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा इंडिया के ऊपर, तो इंडिया तो फ़िलहाल यहीं पे नहीं है, हिंदी है, लेकिन यहाँ पे हिंदी के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पे ये और सारी ऑप्शंस आ गई जिनको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसे हिंदी में शो करना चाहते हैं तो ऐसे ही हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं जहाँ पे जिनको आप, जैसे हमने हिंदी शो किया, यहाँ पंजाबी भी यहाँ पे आ जाएगी, तो पंजाबी में भी हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। जैसे 14th मार्च हो गया, 14th मार्च, तो इस ऑप्शन को आप यूज़ करोगे तो हमारे टेक्स्ट होगा वो पंजाबी की डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसे नीचे एक्सपेंड कर दें तो आप देखोगे कि हमारे पास जो डेट्स हैं वो अपने आप चेंज हो रही हैं, फिल कर दिया इसने, एक्सेल ने इसे क्या कर दिया, फिल कर दिया। तो सिमिलरली हम शॉर्ट डेट के साथ हम लॉन्ग डेट को भी मतलब चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वही पहले वाली वैल्यू लिखूँगा 2020, एंटर प्रेस करूँगा, तो ये मतलब अपने आप क्या कर रहा है, यहाँ पे लॉन्ग डेट को शो कर रहा है, मतलब हमारे पास ये वाली ऑप्शन है। तो इसको भी अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो आप देखोगे कि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे लॉन्ग डेट थी जो सिलेक्ट हुई पड़ी थी, तभी उसने क्या किया, इसे ऐसे शो कर दिया। तो आप इसे क्या कर सकते हो, नीचे एक्सपेंड कर दो। ठीक है, मतलब लॉन्ग डेट का मतलब कि ये पूरा आपको डे भी बताएगा, मंथ बताता है, डेट और ईयर भी बताता है आपको। ठीक है, और शॉर्ट डेट का डिफरेंस और लॉन्गर डेट का डिफरेंस आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसका नाम क्या है, टाइम। ठीक है, तो टाइम हम देखते हैं कि जैसे 11 है हमारे पास, कॉलन डाल के आप लिखोगे 30। ठीक है, उसके बाद आप सेकेंड्स डाल सकते हो, जैसे मैं डाल दूंगा यहाँ पे 55, एंटर प्रेस करूँगा और हमारे पास ये आ गया टाइम। ठीक है, टाइम को भी मैं नीचे एक्सपेंड कर देता हूँ यहाँ पे, तो ऐसे मतलब कुछ वैल्यूज़ आ गई हमारे पास यहाँ पे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो टाइम था उसको हम कैसे कैसे शो कर सकते हैं। तो टाइम के लिए भी हमारे पास ये बहुत सारी आप देख सकते हो कि ऑप्शंस है, तो ऐसे मतलब डिफरेंट फॉर्मेट हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास परसेंटेज। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले जो कॉलम है उसको आप सिलेक्ट कर लो, उसको आप वैल्यू दे दो कि इसमें हम परसेंटेज वाली वैल्यूज़ डालेंगे, तो बाद में आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर वैल्यूज़ को एंटर कर सकते हो। जैसे अगर इसके अंदर मैं 3 लिखूंगा तो अपने वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 लिखूंगा तो 4 उसके अंदर कन्वर्ट हो गया, 55 लिखूंगा तो ऐसे, मतलब मल्टीपल वैल्यूज़ हम इसके अंदर डाल सकते हैं जिसको वो अपने आप क्या करेगा, परसेंटेज का साइन उसके साथ मतलब वो शो करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे हम इस परसेंटेज को यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर और आप डिटेल में देखना चाहें तो डिटेल में ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे बस आप उसकी जो मतलब डेसिमल के बाद वैल्यूज़ हैं उनको ही आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, मतलब डेसिमल के बाद आपके पास कितनी वैल्यूज़ आए। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम देखते हैं, आपको पता है कि फ्रैक्शन क्या होती है, एक नंबर का मतलब पार्ट होता है, सब पार्ट होता है फ्रैक्शन। तो उसको हम कैसे शो करते हैं, जैसे मेरे पास सपोज कर लो कि 0. मेरे पास वैल्यू है 40। ठीक है, तो 0.40 को मैंने ऐसे यहाँ पे शो कर दिया, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ फ्रैक्शन के ऊपर, ठीक है, तो वो उसे क्या शो करेगा, इस फॉर्मेट में शो करेगा। मतलब जो 0.40 था वो मतलब एक पूरे नंबर का कौन सा हिस्सा था। ठीक है, तो उसको वो कैसे शो करेगा, 2/5 के साथ शो करेगा। तो अगर मैं इसको ऐसे शो करूँ 0.25, तो हमें पता है कि ये कौन सी वैल्यू होती है, 1/4। तो अगर हम इसके फ्रैक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप मतलब मल्टीपल वैल्यूज़ को मतलब शो यहाँ पे कर सकते हो, तो वो आपको मतलब क्या करेगा, उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा जो फॉर्मेट हम यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे आप कुछ वैल्यूज़ मतलब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो, मतलब जो भी हमारा जो फॉर्मेट होगा अपने आप ये एक्सेल क्या करेगा, उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, साइंटिफिक। तो साइंटिफिक नंबर मतलब ऐसे हमारे पास कुछ सपोज कर लो हमारे पास बहुत मतलब लेंथी नंबर है, काउंट नहीं करते, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं, हम उसको हम क्या करते हैं, साइंटिफिक फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, जो मैथ्स को पढ़ते हैं उनको मतलब ये पॉइंट क्लियर होगा। तो ऐसे मतलब एक्सेल क्या करेगा, उसे साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो हम मतलब अगर कोई भी नंबर आपका मतलब जो ज़्यादा लेंथी है, तो एक्सेल का अगर आपने उसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है मतलब साइंटिफिक, तो वो क्या करेगा, इसको अपने आप वहाँ पे कन्वर्ट कर देता है। तो ये तो मतलब बड़े नंबर हो गए, अगर आप छोटा नंबर भी कोई मतलब चूज़ करना चाहते हो, ठीक है, जैसे मेरे पास ये 3 मतलब कोई छोटे नंबर्स हैं यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हो, उनको भी साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपको इनको पहले सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा,
इसके ऊपर जाओगे, साइंटिफिक के ऊपर जाओगे, तो ये नंबर्स भी क्या हो जाएंगे, अपने आप साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लास्ट ऑप्शन हम देखते हैं कि कौन सी है, टेक्स्ट है। ठीक है, तो मतलब नंबर को हम क्या कर सकते हैं, एज अ टेक्स्ट भी स्टोर कर सकते हैं। मतलब नंबर जो होते हैं उनके ऊपर तो हम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, उनको हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई ऐसे कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो टेक्स्ट होता है, ठीक है, जो टेक्स्ट होता है उसको हम प्लस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कुछ भी, उसको डिवाइड नहीं कर सकते, उसको मतलब हम माइनस नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पे इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लूँ एज अ टेक्स्ट, तो इस बॉक्सेस में अगर मैं कोई भी वैल्यूज़ डालूँगा तो वो वाली वैल्यूज़ अपने आप मतलब किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, टेक्स्ट में हो जाएंगी। ठीक है, ना कि नंबर्स में। तो आप जहाँ पे देखोगे कि हमारे पास जहाँ पे एक सिंबल आ गया जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे, तो आप देखोगे कि वो कहता है कि नंबर स्टोर कैसे हुए हैं इस बॉक्स में, एज ए टेक्स्ट हुए हैं। ठीक है, वो मतलब नंबर नहीं है, वो क्या है, टेक्स्ट है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस नंबर फॉर्मेट को हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स भी हैं मतलब जहाँ पे जिनको आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा डिटेल में करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करके आप ये वाली जो ऑप्शंस हैं उनको आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में अगर कोई भी दिक्कत लगती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी जो क्वेरी, जो क्वेश्चन है उसको आप डाल सकते हो, मैं जल्दी से जल्दी उसका जो रिप्लाई है वो करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई लेटेस्ट वीडियो जो भी आए आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ जाए आप, और आप जो इन्फॉर्मेशन है उसे मतलब ले सकें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।